तो अभी हम लोग जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड, मतलब ये क्या हो गया, A1 B1 अपॉन AB, ये क्या हो गया, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और D बाय UE इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ऐसा आ गया जो है। ठीक, तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ये आईपीस। ठीक है, यहां से आपका मैग्नीफाइंग पावर ये बन गया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको मैथमेटिकली, और इसके और जो है फॉर्मेट देखते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं, और अच्छा एक चीज और आप देखिए, A1 B1 अपान जो AB है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब कि ये जो A1 B1 अपान जो AB बना, मतलब H डैश अपान H इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई यू, याद आए ना, मैग्निफिकेशन M इक्वल्स टू V, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसलिए V नॉट अपान U नॉट, देखिए ये V नॉट अपान U नॉट, और साइन कन्वेंशन से ये पॉजिटिव ही आता है। तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गया, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, V नॉट अपान U नॉट इनटू D बाय UE। अब जरा सा यूजिंग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो देखिए यहां से U नॉट नेगेटिव, V नॉट पॉजिटिव, D नेगेटिव, UE नेगेटिव, तो कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें नेगेटिव हो गई। यहां से आप बताएंगे कि V नॉट पॉजिटिव, बस एक पॉजिटिव है, U नॉट नेगेटिव, D नेगेटिव और UE ये भी नेगेटिव, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन U नॉट इनटू D बाय UE, आ गया फार्मूला। ठीक है, यहां से बन गया। अब यहां पे आप जो है केसेस अप्लाई करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कहां, DDV, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट DDV, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट DDV, अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट कहां प्ले रखा गया है, डिस्टेंस डिस्टिंग विजन पे, तो आप बताएंगे, अच्छा अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो केस फर्स्ट केस लेते हैं, फॉर्मूला बन गया। अच्छा यहां से केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, व्हेन केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट DDV, दैट इज मतलब देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू, अब आपको याद होगा जब डी बाई यू ही आया था मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो जब वी इज इक्वल्स टू डी हो गया, तो डी बाई वी प्लस डी बाई एफ ई था, एफ था, तो वहां से क्या बन गया था, 1 प्लस डी बाई एफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई, किसके लिए है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये हो जाएगा एफ ई, ये हो गया। एंड केस सेकेंड व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट इज मतलब, तो इस केस में क्या होता था, डी बाई एफ ई, पहला वाला जीरो, डी बाई जो वी था वो जीरो हो जाता, यहां से वी
therefore magnifying power of compound microscope is equals to minus V naught upon U naught into D by Fe. ठीक है, ये दोनों फार्मूले आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन बन गए, मतलब आपको कैसे, ये आपका मेन इक्वेशन है, ये आपके लिए जो है मेन इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, ठीक है, और इसके बाद ये केस है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, अब अगर बात किया जाए कि अगर कोई, मतलब कि अगर मैं बात करूं किसकी, कि जब आप जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं वी नॉट या तो यू नॉट, तो देखिए वी नॉट क्या होता है, वी मुझे, हम लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी फोकल लेंथ पता है, तो और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो तो वी नॉट निकल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप डायरेक्ट वी नॉट को फाइंड आउट करना चाहें तो आप वी नॉट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट तो कभी निकाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ ऐसा सिंपल मेथड, मतलब हम लोग क्या लगाएं, एक फार्मूला अप्लाई कर दें उसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वी, सिंस वी कैन नॉट फाइंड वी नॉट डायरेक्टली, फॉर दिस वी कैन राइट यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर किसके लिए, वी नॉट। हमें आपको वी नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर बनेगा, उसकी बनेगी उसकी इमेज। तो ये हमें पता है कि 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू ओ, ठीक है। यहां से अब हम लोगों को देखना चाहिए कि हमें लेना क्या है, वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो क्या करते हैं कि 1 बाई वी नॉट को साइड कर लेते हैं, ये 1 बाई एफ नॉट हो गया और माइनस प्लस 1 बाई यू नॉट हो गया। अच्छा, अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो वी नॉट एफ नॉट पॉजिटिव होगा और ये यू नॉट क्या होगा, नेगेटिव। तो मतलब आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये क्या मिलने वाला है, ये यू नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एफ नॉट, और ये क्या आएगा, 1 अपॉन वी नॉट। ओके, अब इस यू नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप याद रखना आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन, इस लाइन में साइन कन्वेंशन यूज किया गया है, आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन इस लाइन में साइन कन्वेंशन यूज किया गया है, तो इस यू नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर लाके, ये हो जाएगा यू नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, और वी नॉट अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट बाय U not minus F not. आ गया? तो अब ये जो V not by U not है, ये किस टर्म में आ गया? F not और U not के. मतलब हमें U not ही पता होता है और उसकी फोकल लेंथ भी पता होती है, लेकिन उसके बीच में इमेज कहाँ बन रही है ये जरूरी नहीं है कि हमें हर बार पता हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है hence we can write from, hence we can rewrite equation 3 and 4. फिर से हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को बता सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू माइनस, कितना आ गया, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, क्या आ गया, माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट इंटू पहला, अगर मैं 3 को लिख रहा हूं, फॉर 3, फॉर इक्वेशन 3, तो ये इतना हो जाएगा और ये 1 प्लस डी बाई एफ ई, ऐसा करते हैं इसको डी डी वी लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट डी डी वी एंड मैग्नीफाइंग पावर
आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, तो माइनस क्या आ जाएगा ये फिर से एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट इनटू डी बाय एफ पी, डी बाय एफ पी ये आपके ठीक है। कितने हो गए 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये इतने इक्वेशन आए। अब इतने इक्वेशन की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन आपको आपके लिए बन सकता है, तो इसलिए आपको इतने इक्वेशन इतना जो इसका लंबा डेरिवेशन ये सब आपको अप टू डेट अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है ये जो है टेलीस्कोप के बारे में, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो आप नोट करें इसको, बहुत अच्छा डेरिवेशन था, इसको अच्छे से नोट कर लें। ओके, योर नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ जो टेलीस्कोप है, अब हम लोगों को यहां पर पहले ये बात करनी चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही काफी नहीं था, कि क्या जरूरत थी हमने जो है टेलीस्कोप बनाया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमने बनाया वो जो है छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, छोटी और जो बहुत पास में हो, बहुत ही छोटी बट बहुत ही पास में रखी हो, ठीक है, वहां की द ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अब टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या था, टेलीस्कोप से हमने दूर की चीजें, डिस्टेंस डिस्टिंग मेजर, मतलब उससे भी बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसे देखने के लिए, लाइक फिक्टिशियस बॉडीज को देखने के लिए हम लोगों ने, ठीक है ना, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम लोगों ने टेलीस्कोप बनाया, लाइक स्टार्स और ये सब देखने के लिए हमने टेलीस्कोप बनाया, मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो फिर तो अब हम लोग इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसका डायग्राम वही होगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, या इसके डायग्राम को कुछ अलग बनाएंगे। तो जब हम लोगों ने टेलीस्कोप के नाम पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा कि उस जो वो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देती। फिर हम लोगों ने बार बार अरेंजमेंट करते 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 ये पाया कि अगर हम लोग जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो अरेंजमेंट है उसे क्या कर दें, उल्टा कर दें, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसे जो है वो बड़ी लेंस ले लें और जो ये जो है आईपीस है उसे छोटा ले लें। अच्छा, इसकी वजह क्या थी, पहली बात तो हमें बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है, तो दूर से जो है जो रेज आई वो क्या था कि अब हमें कोई एक ऐसा लेंस लेना था उस इंस्ट्रूमेंट के लिए कि जिस लेंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज एंट्री करें जिससे वो उसकी इमेज बने। तो उसके लिए क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव बड़ी होनी चाहिए, और आईपीस क्या होगा, आईपीस सिर्फ हमें जो है देखने के लिए था, तो वो अगर छोटा होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। और जो है जो आईपीस थी वो आईपीस भी ऐसा लेना है कि फिर जो इमेज बने वो भी कहां पे, इंफिनिटी पे। तो टेलीस्कोप का जो कॉन्सेप्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जस्ट इसका जो है डायग्राम क्या बन गया, उल्टा, मतलब आईपीस बड़ी और सॉरी ऑब्जेक्टिव बड़ी और आईपीस छोटी। तो हम लोगों ने यहां से ऑब्जेक्टिव क्या ले लिया, बड़ी लेंस ले लिया। अच्छा, यहां ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, इंफिनिटी पे, तो हमने जो है यहां से इंफिनिटी पर फिक्टिशियस बॉडी की कहां होती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी होती है, दूर पे होती है, तो हमने यहां से इमेजिन किया कि ये इनफाइनाइट से ये रेज आ रही है, ठीक है। और ऐसा ही
ये भी लिया, तो ये यहां से यहां पर थोड़ा ये ऐसा लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा बेंड हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, मतलब कि ठीक है, मतलब ये बेंड हुआ। तो जो यहां पे जहां पे जाके मिली, ये क्या बन गई इसकी, ये इसकी इमेज बन गई। ओके, अब इस इमेज से हम लोग क्या लेंगे, आईपीस लेंगे, और आईपीस से क्या बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आईपीस की। तो आईपीस को अगर देखा जाए तो ये यहां से कुछ इस प्रकार चले गए, और यहां पर जो फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, ऐसा माना गया कि ये कहीं न कहीं जाकर के इंफिनिटी को जाकर ऐसा मिलेंगे। तो फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी को मिलेगी। और यहां पर हमारा क्या हो गया, आईपीस मतलब ह्यूमन आई, ठीक है। तो यहां से जरा देखे तो ऑब्जेक्ट कहां हो गई, इंफिनिटी को, और ये जो आपका ये बना, ये कहां पे, ये फोकस पे बना, मतलब किसका, एफ नॉट, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, F नॉट है, और ये यहां से लेकर के यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, ये है फोकल लेंथ ऑफ किसकी, आईपीस, मतलब FE। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, सिंस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप टेलीस्कोप L इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ नॉट प्लस एफ पी, ये लेंथ है, क्योंकि ये हमें लेंथ लेना था, इसलिए ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पे, ठीक। तो सिंस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज, फिर से वही बीटा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द अनएडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां से टैन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू बीटा बाय क्या हो गया, अल्फा। तो अब आइए हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं कि टैन बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो टैन बीटा की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, अब जरा सा ये अगर यहाँ ए और ये बी लेते हैं, तो सिंस टैन बीटा इज इक्वल्स टू, टैन बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी। अच्छा, यहां से हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये जो एंगल बना ये क्या बना, बीटा। तो टैन बीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपान क्या हो गया, एफ ई, ठीक है, ये हो गया। सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल देन टैन बीटा इज नियरली इक्विवेलेंट टू बीटा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ ई। और हमें आपको एंड ऑल्सो हमें पता है अल्फा बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन क्या, डी, मतलब जहां पे डिस्टेंस डिस्टिंग्विशन, मतलब क्या इसके कहां रखा हुआ होगा वो, मतलब ये कहां रखा होगा, मतलब एफ नॉट पे, ठीक है, मतलब जो ये इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, एफ नॉट पे बन रही है, ठीक है। तो एक होता है जो है फाइनल इमेज के लिए, और एक जो है फॉर अनएडेड आई। तो यहां से हम लोग अगर देखते हैं जो है, तो अगर बात करें देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज क्या हो गया, ए बी अपॉन एफ ई इंटू एफ नॉट अपॉन क्या, ए बी, ठीक। तो यहां से आप देखें ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके।
तो ये यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम लोग जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है देख लेते हैं। तो यहां से जब हम लोग जो है मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, यहां क्या हो रहा था ये v, तो ये v बराबर क्या हो गया f, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो f नॉट के बराबर आया, तो ये डिस्टेंस क्या है यहां पर, f नॉट इज नेगेटिव। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर आप ये देखें तो यहां से जो ये एफ नॉट है ये पॉजिटिव है, लेकिन जो FE है, FE जहां पर ये इसको फोकस करना चाहता है, मतलब ये फोकल, मतलब UE इज इक्वल टू FE, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो UE इज इक्वल टू यहां क्या है FE, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, तो इसलिए यूजिंग साइन कन्वेंशन वी गेट क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल, मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट करें, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बहुत अच्छे से इसको नोट करें। ठीक है, अब आप यहां से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हियर माइनस साइन रिप्रेजेंट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, हियर माइनस साइन रिप्रेजेंट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। तो हो गया, आप इसे नोट करें बहुत अच्छे से। ओके, फटाफट नोट करें, बहुत अच्छी हेडिंग है ये, बहुत अच्छा टॉपिक था, तो यहां से आपने इसको नोट कर लिया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हो गया, तो आपने लिखा हेंस वी कैन से नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल है मतलब इरेक्ट है, और इमेज क्या बना इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, तो जो है इस इमेज को सीधा देखने के लिए हम लोग इसके बीच में एक और लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि पहले इस जो ये इसकी इमेज है ये क्या बन जाए, पहले इसकी इमेज बनाए, तो इसकी इमेज बनाएंगे इन्वर्टेड हो जाएगा, फिर फाइनल हम लोग इसकी इमेज बनाते हैं, तब हमें वो चीज ऐसा सीधे इसके बीच में एक लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो है इसी प्रकार जो है हम लोग बाद में आगे चल करके टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी बनाते हैं और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट करें, जो जितना आपको बताया गया पढ़ाया गया उसको अच्छे से आप पढ़ें, इसको समझें। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पहले आप इतना ये सारी हेडिंग अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद जो है न्यूमेरिकल का नंबर आता है, तो न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।